फ्रेंड्स, बीना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला डोरमेट डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिजाइन के लिए मैंने 8 नंबर की सिलाई ली है और 30 फंदे डालने हैं। यहाँ मैंने दो कलियां बना ली हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया था, वैसे ही मैं यहाँ से आपको शुरू करके बताऊंगी। तो फर्स्ट कलर आप जो भी लगाए उससे 30 फंदे डाल लेने हैं और दो सिलाइयां ऐसे उल्टी उल्टी बना लेनी है, उल्टे साइड से भी और सीधे साइड से भी। फिर उल्टे साइड से हमारा ये डिजाइन शुरू होता है। तो पहली सिलाई है, दो सिलाई उल्टी बुनने के बाद 10 फंदे हमें फर्स्ट कलर से बनाने, जिस कलर से हमने फंदे डाले। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 10 फंदे व्हाइट कलर से बना लिए। अब यहाँ हमें सेकंड कलर लगाना है। तो सेकंड कलर हमारा ये ब्लैक कलर है और इससे हम 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर तीसरा कलर लगाना है। तीसरा कलर हमारा रेड कलर है तो उससे भी हम 6 फंदे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर चौथे कलर से, चौथा कलर हमारा ये पिंक कलर है, इससे हम 6 फंदे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इस तरह 10 फंदे हमने व्हाइट कलर से बनाए हैं, 6 फंदे ब्लैक कलर से, 6 फंदे रेड कलर से और 6 फंदे पिंक कलर से। और दो फंदे यहीं छोड़ देंगे और यहीं से फिर वापस मुड़ जाएंगे। अब सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुनने हैं। तो 6 फंदे हम फर्स्ट ये फोर्थ कलर से बुनेंगे, पिंक कलर से। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर धागा पीछे किया, रेड कलर को आगे लाना है। धागे को ऐसे क्रॉस करते हुए रेड कलर को आगे लाए और 6 फंदे रेड कलर से। 3, 4, 5, 6। फिर इस धागे को पीछे किया और ब्लैक कलर को आगे लाना है और 6 फंदे जो ब्लैक कलर से बनाए हैं उन्हें ब्लैक कलर से बना देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर धागे को पीछे करना है, व्हाइट कलर को आगे लाना है और 10 फंदे व्हाइट कलर से बना देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट का फंदा सीधा बुनना है। हर बार लास्ट का फंदा हमें सीधी सिलाई में सीधा बुनना है, इससे हमारी ये फिनिशिंग अच्छी से आती है। तो फ्रेंड्स, सीधी सिलाई में हर बार जो फंदे जिस कलर से रहेंगे उसी कलर से बनाने हैं। तो मैं सीधी सिलाई आपको नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो हमारी वीडियो काफी बड़ी हो जाती है। फिर उल्टी सिलाई में हमें अब क्या करना है, अब हमें 9 फंदे बनाने। पहले हमने 10 फंदे बनाए थे फर्स्ट कलर से, अब एक फंदा उतारा, 9 फंदे उल्टे बनाने। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। एक फंदा हम इधर धागे को ऐसे क्रॉस करते हुए ब्लैक कलर को आगे लाएंगे और एक फंदा हम ब्लैक कलर से बना देंगे। तो 6 फंदे फिर ब्लैक कलर से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर इस फंदे को अब हम रेड कलर से बना देंगे। 1, 6 फंदे फिर रेड कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर एक फंदा बच गया, इसे हम फिर पिंक कलर से बना देंगे। तो पिंक कलर से हमें 1, 2, 3, 4 और ये 5 5 फंदे बनाने और 2 फंदे यहीं छोड़ देने हैं और यहीं से फिर वापस मुड़ जाने हैं। और फ्रेंड्स,
सीधी सिलाई को जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुनकर मैं फिर आपको दिखाती हूँ। सीधी सिलाई मैंने बुन के कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए उल्टी साइड में, पहला फंदा बिना बुने उतारा और एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ। अब हमारी व्हाइट के एक एक फंदा इधर कम होता रहेगा, ब्लैक से हम इधर एक एक फंदा बढ़ाते रहेंगे और व्हाइट फंदे हमारे एक एक कम होते रहेंगे। तो इसे हम धागे को ऐसे क्रॉस करेंगे, उस धागे को आगे लाकर इस फंदे को ब्लैक कलर से बना देंगे। तो इस फिर हमें छह फंदे ब्लैक कलर से बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ। हर उल्टी सिलाई में हमें एक एक फंदा हर कलर से इधर लेते जाना है। अब हमारे पास ब्लैक का एक फंदा बच गया तो रेड कलर से हम छह फंदे बना देंगे। एक एक ब्लैक वाला हो गया, एक दो तीन चार पाँच छ, तो एक फंदा बच गया, इसे हम पिंक कलर से बना देंगे। एक दो तीन चार, चार फंदे हमने इस कलर से बनाए और दो फंदे हमने यहाँ छोड़ दिए। तो इन्हीं दो दो फंदों को हमें छोड़ते जाना है। फिर सीधी सिलाई जो जिस कलर से है उस कलर से बुनकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सीधी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, फिर आ जाइए उल्टी साइड में। उल्टी साइड में पहला फंदा बिना बुने उतारा, फिर एक फंदा ये हो गया, दो तीन चार पाँच छ सात, एक फंदा फिर यहाँ हम फिर ब्लैक में कन्वर्ट कर लेंगे। छह फंदे ब्लैक से बनाने, एक दो तीन चार पाँच और ये छ। फिर एक फंदा बच गया, इसे हम रेड से बुन लेंगे। तो छह फंदे हमें रेड कलर से बनाने, एक दो तीन चार पाँच और ये छ। तो इस तरह हमें यहाँ एक एक फंदा हमारा कम होता रहेगा और इस साइड से हमारे दो दो फंदे छूटते रहेंगे। अब हमें एक फंदा ये पिंक कलर से बनाना है, तो पिंक कलर से एक दो तीन, फिर दो फंदे यहीं छोड़ देंगे, तीन फंदे इधर बुने यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। और सीधी सिलाई को जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुनकर मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अब आ जाइए फिर उल्टी साइड में, पहला फंदा बिना बुने उतारा, एक और ये दो तीन चार पाँच और ये छः। फिर इस फंदे को हम ब्लैक कलर से बना देंगे। तो ब्लैक कलर के हमें टोटल छः फंदे बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। फिर एक फंदा हमारे पास बचा तो इसे हम रेड कलर से बना देंगे, एक दो, छः फंदे बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। अब एक फंदा हमारे पास ये बचा तो इसे हम इस कलर से बना देंगे, एक और एक फंदा हमारे पास यहाँ बचा है दो। अब ये दो फंदे हम यहीं छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। और सीधी सिलाई को मैं फिर आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। अब आ जाइए फिर उल्टी साइड, पहला फंदा बिना बुने उतारा, एक दो तीन चार और ये पाँच, पांच फंदे हमने वाइट कलर से बनाए, यहाँ फिर इसको हम ब्लैक कलर से भून देंगे। तो एक, छह फंदे ब्लैक कलर से बनाने, एक दो तीन चार पाँच छ, फिर इसको हम रेड कलर से बना देंगे। तो छह फंदे रेड कलर से बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ और ये। अब हमारे पास ये एक कलर हमारे यहाँ खत्म हो गया है, यहाँ दो फंदे छोड़ के पांच फंदे, एक दो तीन चार पांच फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे और इन दो फंदों को यहीं छोड़ देंगे।
और बाकी जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधी सिलाई मैंने बुन ली है। अब हमें इसी तरह आगे एक एक फंदा इधर लेते जाना है। इस कलर का हमें यहाँ एक फंदा लेते जाना है, इस कलर से इधर बढ़ाना है। अब ये कलर हमारे यहाँ खत्म हो गया, और यहाँ हमें दो दो फंदे छोड़ते जाना है। तो ये कलर हमारा यहाँ तक आना चाहिए, जैसे कि हमने ये कली बनाई है। तो ब्लैक कलर को हमें एक एक फंदा इधर बढ़ाते हुए यहाँ तक बुनना है। तो मैं यहाँ तक बुनकर फिर आपको दिखाती हूँ, और दो दो फंदे इधर छोड़ते जाना है। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कली हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। सारे व्हाइट फंदे हमारे ब्लैक में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ब्लैक का एक एक फंदा इधर बढ़ाते हुए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से दो दो फंदे छोड़ते हुए अब हमें उल्टी सिलाई में क्या करना है। उल्टी सिलाई को हमें पूरा व्हाइट कलर से उल्टा बुन देना है। सारे फंदे व्हाइट कलर से उल्टे बुन देने हैं। जो फंदे हमने छोड़े थे उन्हें भी उल्टा बुन देना है। इस धागे को ऐसे टाइट कर देना है। सीधी सिलाई को भी फ्रेंड्स पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कली मैंने यहाँ बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स, पूरा पायदान बनाने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो एक ही कली में मैंने आपको पूरा पायदान बनाने का तरीका बता दिया है। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था, वैसे ही फिर हमें यहाँ से अगली कली को शुरू करना है। तो इसी तरह सारा पायदान बनाना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पायदान डिजाइन कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।